करिए, बंद करिए यो कानून के रखवाले होने का नाटक। आप कानून के गुनहगार हैं और कानून है अंधा, इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। मिस चौटाला, हमारा यकीन कि हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं करा है? कानून सिर्फ गवाह और सबूतों पे चलता है, बैसाखियों पे चलता है, और दोनों सबूत और गवाह आपके खिलाफ है। जेल के अंदर सड़ने के लिए तैयार हो जाइए। उतार फेंकिए यो वर्दी, यो सितारे जो कानून ने आपको पहनाए हैं। आप एक जानवर हैं, जानवर। और जीब, आपकी सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में कटेगी। चलिए मिस चौटाला, हमारा ना लेना है ना देना है, कुछ भी नहीं करना। चल चल तो चल चल हम नहीं जाएंगे मिस चौटाला, हम अपनी चौकी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे अपनी चौकी छोड़कर? अरे हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ बाहर आ जाएगा। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारी चौकी छोड़ के क्यों जाए? हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। हम बेगुनाह है। कोई नहीं यहाँ पर, हमें कोई खींच नहीं रहा था, हम ऐसे ही। किससे कहना मत। थैंक गॉड ये सपना था, लेकिन सच भी तो हो सकता है। अब हम मिस चौटाला को कैसे यकीन दिलाए कि हम बेगुनाह हैं? आजा आजा बेटी, चल 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 चल। पापा गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? अरे बेटी सीएनजी है ना। अरे अरे भाई सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। अरे सर आ गए भाई, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सर। सर ये गाड़ी में हेलमेट। अरे क्या तुम भूल गया तू? अरे सर की मोटरसाइकिल जो फोल्डेबल वाली है, फोल्ड होके रखी है ना गाड़ी में। अरे सर थैंक यू। मजा आ गया सर। पैसे पैसे, अरे इसके लिए भी है सर। हाँ मुरादाबाद में पैसे। क्या बात है सर, में क्या बात। जाइए सर, आराम से जाइए सर, ये पूरी 110 माले की बिल्डिंग हमारी है सर, कहीं भी जाइए सर, ऊपर नीचे एनीवेयर। नो प्रॉब्लम, डन, कम। ओहो क्या नाचते हैं सर, हमें भी नचा दिया, कमाल के आदमी है वो तो है। नमस्ते भाई साहब, मुरादाबाद में। यस प्लीज। भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भाई साहब अभी अभी यहाँ से गए, जिन्होंने डांस किया, आप पे पैसे फेंके, वो भाई साहब कौन है मुरादाबाद में? देखिए पहले तो आप बताइए कि आप कौन है मुरादाबाद में? मैं हूँ सपना, बना लो मुझे अपना, लिपस्टिक डार्क है। और मैं हूँ भोंदू भास्कर, इनका डैडी हूँ इलाहाबाद में। जो अभी अभी डांस करके गए हैं ये हमारे मालिक हैं, इनका नाम है राजू राय ज़्यादा, ये दुबई से आए हैं, इनके वहाँ पे पेट्रोल पंप है। इनके पेट्रोल के कुएं हैं, बहुत बड़े राइस ज़्यादे हैं ये। मतलब 100 तो गाड़ियाँ हैं इनके पास, इनके नौकरों के पास। इनके पास तो 1000 गाड़ियाँ, 1000, साथ में 200 एरोप्लेन है। अरे क्या क्या है इनके पास, करोड़पति आदमी है, करोड़पति। लेकिन क्या फायदा? क्यों क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है हैदराबाद में? देखिए चूंकि भाई करोड़पति तो हैं, लेकिन एक पत्नी के पति नहीं बन पाए, मतलब कुंवारे हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिया में आए हैं एक सुशील इंडियन लड़की ढूंढने के लिए। अब देखिए ढूंढ रहे हैं, किसकी किस्मत चमकेगी अब क्या पता। हाँ तो कोई बात नहीं ना भाई साहब, देखिए यहाँ पे देखिए, ये है मेरी बेटी कुवारी, शादी के लिए टोटली फ्री है।
ये सुंदर भी हैं, सुशील भी हैं और इंडियन भी हैं। हाँ, औरंगाबाद में। मैं हूँ सपना, बना लो मुझे अपना, लिपस्टिक डार्क है, लड़का मुझे पसंद है। What rubbish! तुम्हें पसंद आने से क्या होता है, उनको तुम भी तो पसंद आनी चाहिए ना। हाँ तो कोई बात नहीं ना भाई साहब, आप एक काम कीजिए ना, आपके मालिक और मेरी बेटी की मुलाकात करवा दीजिए हैदराबाद में, बाद में ये दोनों डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके मालिक, आपके सेठ मिलेंगे कहाँ मुरादाबाद में? कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? आप एक काम कीजिए, आपको चिटपुटिया गंज शॉप पता है? हाँ 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 पता है ना, हैदराबाद में। उसके पास जो गार्डन है वो शाम को वहाँ पर वॉक पे निकलते हैं, आप वहाँ जाके उनसे मिल लीजिए। मतलब वो वहाँ आएंगे और हमें पाएंगे? जी। लिपस्टिक डार्क है। तो कोई बात नहीं ना, चलो अभी से शुरू कर देते और चिटपुटिया गंज पहुँच जाते मुरादाबाद में। चलना शुरू करो। Plan six. Yes! हम तो लूट गए थे, बर्बाद हो गए थे मिस चौटाला, लेकिन हमें यकीन था कि किसी को हम पर यकीन हो या ना हो, आपको हम पर यकीन जरूर होगा। थैंक यू मिस चौटाला, थैंक यू। चेयर ले रहे यार बैठने के लिए। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू तो गैरों से कहा जावे सर। और वैसे भी सर मैंने अपनी ड्यूटी करी है, अगर तो आप बेगुनाह ना होते, मतलब गुनहगार होते, तो सर आपके संग वही सुलूक करती मैं जो एक पुलिस वाली को एक गुनहगार के संग करना चाहिए। करेक्ट, लेकिन आपको कैसे यकीन हो गया कि हम बेगुनाह हैं? अरे सर, मैडम कल रात को आई थी ना आपके पास। हमारे पास कब? मेरे कहने का मतलब है सर कि वो रात को मैडम ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, और फिर वो इस नतीजे पर पहुंची कि आप बेगुनाह हैं सर। या सर, मम्मी जी इसलिए कर रही हैं आपकी सहायता इसदा, ताकि फैल ना जाए रहता इसदा। हाय हाय सर, बहरहाल बाप बेटी के सामने दाना डल गया है और उन्होंने दाना चुग भी लिया है। इब तो बस देखना यो है कि शिकारी खुद कैसे शिकार बनता है। आई एम ए बैचलर, अकेला हूँ, बीमार हूँ, चाहूँ एक लड़की जो कहे मैं उसका यार हूँ। आई एम ए बैचलर, अकेला हूँ, बीमार हूँ। ओह अम्मा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। कौन हो? मैं हूँ सपना, बना लो मुझे अपना, लिपस्टिक डार्क है। आप शादीशुदा हैं? आई एम बैचलर ऑफ आर्ट्स, कुंवारा हूँ। और तुम? आई एम सिंगल। माइंडेड? नहीं, कुंवारी। कुंवारी नहीं, तुम हमारी हो। नाइस बैंगल। यस। लवली इयररिंग। छोड़िए जी। मैडम, आपने हमें यहाँ पे बुलाया मुरादाबाद में? हाँ बुलवाया है भाई, लड्डू खिलाओ बाप बेटी। अरे हाँ अंकल, मतलब क्या बात है अंकल, इतनी बड़ी खुशखबरी पे लड्डू तो बनते हैं अंकल। अंकल एक काम कीजिए, आप जरा 200 रुपए निकालिए, लड्डू मैं खुद खरीद के लेके आता हूँ। Well, very very constipation is the congratulations.
या दिस वन। मैडम आप ये किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है? लिपस्टिक डार्क है। तारा वो है ना सैया सावरिया जिसके गालों पे खूब जो है पप्पियों की सुनामी लाए दे रही थी तू। ओ, ओ, ओ। उसने शादी से हाँ कह दी है। ये मैडम आप ये क्या कह रही है मुरादाबाद में? भैया ऐसा है अंकल जी, जल्द से जल्द केटर पकड़ो बढ़िया वाला जो खूब भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम बनाए, चाइनीज इटालियन नूडल वीडल सब, और जो है बढ़िया सामियाना लगाए टेंट वाले को पकड़ो और खूब बुकिंग फटाफट कर लो, लहंगा वहंगा सिलवा लो, शादियों का सीजन है फिर ना मिलेगी बुकिंग। अरे अंकल उसके साथ साथ वो गाना भी जरा याद कर लीजिए, वो कौन सा वाला है, वो बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। वेल सर से शादी करके खुश रह गई योर डॉटर इज द, कैन आई गिव यू बटर इज द। मैडम एक्चुअली बात ये कि हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, एक्चुअली अब हमें आपके इंस्पेक्टर के साथ हमारी बेटी की शादी नहीं करवानी है मुरादाबाद में। या यार अंकल ये हुआ बताओ, तुम यहाँ के जो है भैंस के तबेले में खड़े हो है कि घोड़े के अस्तबल में, कि चूज हो रहा है भैया आज हम इस पे करेंगे सवारी। अबे ऐसा है, पहले वो मना कर रहा था इंस्पेक्टर, तो खूब रोए ले रहे थे, खूब गालियां दे रहे थे हमें, हैं ईब जो उसने हाँ कर दिया तो मान ना रहे, बाप बेटी का प्लान चेंज हो गया बिल्कुल ही, माइंड ऑफ मेकअप डिफरेंट। वेल व्हाट इज द रीजन इज द, आई लाइक विंटर का सीजन इज द। वाओ 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 वाओ। मैडम मुझे ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी है जिसने मुझे धोखा दिया, जिसको मैं कहती रही मैं हूं सपना, बना लो मुझे अपना, और वो इनकार करता रहा। मैडम मेरी बेटी का कहने का मतलब ये है कि हमें एक अच्छा लड़का मिल गया है। अब हमारी बेटी की शादी हम उससे ही करवाएंगे मुरादाबाद में। यार देखो तुम चाहे शादी करो किसी से भी करो, किसी से चाहे ना करो, तुम कुएं में पड़ो, हमें के है जी, हमें के वैसे कौन है लड़का? मैडम उसका नाम है राजू, वो दुबई से आया है और वो ही बनाएगा सपना को अपना लिपस्टिक डार्क है। तो ठीक है जो भी है, लेकिन फिर मिठाई तो तब भी बनती है ना। हाँ तो चलो ना पुलिस स्टेशन के बाहर चलो, रेवड़ी खिलाता हूँ। अरे मेरी बेटी की शादी एक अरबपति के साथ हो रही है मुरादाबाद में, चलो चलो अरबपति 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 वल्ला वल्ला अरबपति। क्या बात है गोपी, इधर इधर। ओ ओ ओ ओ ये हुई ना बात गोपी, वन मोर। अरे बाप रे क्या लगा कैमरे को। वन मोर गोपी, ये क्या? प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज से खिंचाइए क्या, कम ऑन ऐसे, या न्यू स्टाइल, ओके रेडी। Oh, oh. Come on, Gopi. 1 minute. 6 package. Oh. Hey. Hey. क्या हो रहा है भाई? मम्मी जी एक बहुत बड़ी एड बन रही है जी, जिसमें मैं ही फिट बैठता हूँ, गुलगुले ने बताया मुझे। गुलगुले ने बताया? कौन सी एड बन रही भाई? अरे मैडम वो एक 100 साल से ज्यादा की उम्र के बुड्ढों के लिए एक नया टॉनिक निकला है। जरा छोटी हो हाइट में, हील पहना करो। राजू आई लव यू, मैं सपना बनाऊंगी तुम्हें अपना। सपना अब तो तुम्हें मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कौन बोला यार? हम बोले। एक्सक्यूज मी यार तुम कौन हो? हम कौन है? हाँ। हम है इनके सैया, इनके साजन, इनके सांवरिया, और ये है
हमारी डार्लिंग, हमारे होने वाली इनो व्हाट ना बीवी। अब ये क्या कहना है? राजू ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। लिपस्टिक डार्क है। नहीं। एक मिनट टाइम्स प्लीज। ए मिस्टर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी डार्लिंग और जो है होने वाले स्वीटहार्ट और बीवी वगैरह है? सबूत है ये फोटो। ये क्या है यार? ये झूठ बोल रहा है ये। एक मिनट, ये फोटो देखने के बाद सही चीख चीख के फोटो कह रही है कि झूठा ये नहीं? झूठी तुम हो यार दो चोटी। हाँ बड़ी झूठी है, झूठी है ये। हमने अपने मोबाइल से फोटो लिए थे ऐसे एंगल से ऐसे करके। ये झूठ बोल रहा है। ये फोटो तो मेरे डैडी ने खींचा। हाँ और तुमने तो कहा था कि फोटो जूली ने खींचा है, सहेली ने। और लेकिन राजू तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं कोई राजू रायजादा नहीं हूँ। मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला। और जो फोटोग्राफर है ना तुम्हारा बढ़िया पोर्टफोलियो वाला सूबी सैमुअल, वो ये रहा, लाओ बाल को। बेटी बेटी हम लोग फंस चुके हैं मुरादाबाद में। ये सब तो एक ड्रामा था ताकि तुम लोग अपना गुनाह कबूल कर लो। Well, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इसदा। अब तुम दोनों जाओगे जेल इसदा। लेके जाओ इन बाप बेटी को डालो लॉकअप में, वहीं गाएंगे बाबुल की दुआएं। चलो बेटी, चलो चलो बेटी। बाय बाय हमारे होने वाली बीवी। चौटाला थैंक यू सो मच, आपने तो हमारी जान बचा दी यार। अगर हम फंस जाते ना तो बच जाती हमारी बैंड और हमें बनना पड़ता है इसका हस्बैंड। अरे सर ऐसे कैसे किसी के हस्बैंड बनवा देते हम आपको। वैसे सर आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि उस दिन जो लिफ्ट मांगने के लिए आपको मिली थी ना छोरी, छतरी छतरी खतरी। हाँ खतरी छतरी खतरी सर, वो और कोई ना, वो मैं थी सर, इट वॉज मी। क्या बात करिए आप। अब ऐसे सर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वो आप कुछ कह रहे थे कि उस दिन आपको किसी से प्रेम है, किसी छोरी से लव है, who is she sir? Do I know her? वो है कोई, हम बताएंगे आपको फुर्सत में। अरे सर बताना तो पड़ेगा, प्लीज सर जल्दी बताइए। टेल मी सर, आई एम योर फ्रेंड सर। उसका नाम है